भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार सिर्फ सरकार या चेहरा नहीं बदला है, बल्कि एक मजबूत विकल्प दिया है, एक मजबूत सरकार दी है, एक नई सोच दी है, सरकार चलाने का एक जीता जागता का संस्कार का हमने उदाहरण पेश किया, एक ऐसी सरकार दी है जो ईमानदारी से चल रही है, पारदर्शिता के साथ चल रही है, यहाँ की कानून व्यवस्था सुधार रही है। भाजपा ने त्रिपुरा में दिखाया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन हो सकता है, देश को पीछे धकेलने वाली व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। और मैं तो उस समय जब चुनाव प्रचार में आया था, त्रिपुरा का बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा था, चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। आप सभी का ये साथ, ये विश्वास ही आज राष्ट्र हित में, जनहित में ये चौकीदार आपके आशीर्वाद के कारण कड़े और बड़े फैसले ले पा रहा है। चाहे गरीबी और बीमारी से लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, या फिर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात, ये चौकीदार आपके भरोसे पर खड़ा है। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दोगे? जवाब दोगे? हिंदी समझ पाते हो ना? आप बताइए, आप एक चौकीदार से खुश हैं? सबके सब खुश हैं? पूरी तरह खुश हैं? चौकीदार को अपना काम ऐसे करना चाहिए क्या, पूरी ताकत से करना चाहिए क्या? भ्रष्टाचारियों, गरीब को, लूटने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए क्या? क्या आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारना चाहिए क्या? मारना चाहिए ना? सही कर रहा हूं ना? देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, जिस उमंग और उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आप जवाब दे रहे हैं, आपके इन्हीं जवाबों का परिणाम है कि आज चौकीदार के विरोध सारे इकट्ठे हो गए, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर मोदी को हटाने में जुटे हैं, फिर चाहे उन्हें वैसी ही बात क्यों ना करनी पड़े जैसी पाकिस्तान बोल रहा है। ये ऐसे महामिलावटी है जो त्रिपुरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। यहां पर कुश्ती करते हैं और वहां पर दोस्ती करते हैं, ये दिखावे के लिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन भारत के टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। साथियों, अगर लेप की मदद न होती, पर्दे के पीछे का कोई खेल न होता, तो कांग्रेस के नामदार केरल की तरफ क्यों जाते? भाग भाग पत्थर के केरल क्यों पहुंचते? आखिर पांडिचेरी में भी तो कांग्रेस की सरकार है, साउथ में लड़ना था तो वहां से लड़ सकते थे, अरे कर्नाटक में महामिलावट वाली सरकार है वहां से लड़ सकते थे, अरे आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू उनके साथ दो दोस्ती करके बैठे हुए हैं, अरे वहां से लड़ सकते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरे वहां ले चल जाते हैं, लेकिन वो इन राज्यों में नहीं गए। वे ये ठीक है, वो पंजाब में नहीं लड़ सकते, उनको दिक्कत है पुराने पापों के कारण, एक तो कैप्टन साहब की अलग धारा और दूसरी तरफ 84 के सिख दंगों की आंच उन्हें पंजाब में जीतने नहीं देती,
और इसलिए लेप के साथ पर्दे के पीछे मिली भगत करके कांग्रेस के नामदार ने देश की आंख में धूल झोंकने का काम किया है।